कि जैसे सब्सिडी पहले दी जा रही थी 27 SP के ऊपर वालों को और 27 SP के नीचे वालों को, वो सब्सिडी कायम रहेगी। तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मायूसी की जरूरत नहीं है। आज बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को कि कल महाराष्ट्र की असेंबली में हमारे डिप्टी CM और राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार साहब ने ऐलान किया कि किसी किस्म की भी सब्सिडी किसी की लेकिन भिवंडी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर फाइट करेंगे और सब्सिडी को बरकरार रखेंगे। उसके बावजूद जो है सब्सिडी होल्ड हो गई है और बिल जो है बढ़कर आए, जिसका भारी भुगतान अब लुमोनरों को भरना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी जरूरत का हर सामान अब किफायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपर मार्केट, जहां आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर बुनकरों का शहर है, भिवंडी शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शहर है और कुछ दिनों से भिवंडी के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है, सब्सिडी को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने सब्सिडी हटा दी है, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने सब्सिडी को जारी रखा है। तो इस बीच में जो बुनकर है, जो टेक्सटाइल ओनर है, जो लूम ओनर, वो लोग बड़े ही कश्मकश में, वो लोग बड़ी असमंजस में है कि किस तरह से ये इंडस्ट्री चलेगी, किस तरह से हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर सब्सिडी हटती है तो इसका सीधा असर लोगों की कॉस्टिंग पे आता है, जो कपड़ा बनता है उसकी कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ता है। सब्सिडी के ऊपर ही सारे रेट्स जो है डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन इस सब्सिडी के असमंजस से, इस सब्सिडी के कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते बजट सेशन में एक ऐलान किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार और फाइनेंस मिनिस्टर भी है वो, उन्होंने ये ऐलान किया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सब्सिडी रद्द नहीं होगी, फिर चाहे वो बुनकर, चाहे वो टेक्सटाइल ओनर या लूम ओनर रजिस्टर्ड हो या ना हो। क्योंकि इसके पहले ऐसा था कि जो रजिस्टर्ड लूम ओनर है सिर्फ उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी, बाकी सबकी सब्सिडी रद्द की जाएगी। इसके ऊपर काफी बवाल हुआ था, काफी लोगों ने मोर्चा निकाला था, काफी लोगों ने आंदोलन किया था। महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख भी भिवंडी का दौरा किया था, उन्होंने एच एल करंजी का दौरा किया था और ये आश्वासन दिया था कि सब्सिडी बंद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इस बात पे मोहर तब लगी जब महाराष्ट्र असेंबली सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि हम MSDCL को सब्सिडी का पैसा देंगे लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कोई भी सब्सिडी जो है वो रद्द नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, चौंका देने वाली बात ये है, जो बिल आए हैं लूम ओनर्स को वो काफी चौंका देने वाले है। वो सब्सिडी के साथ सब्सिडी को होल्ड करके, मतलब सब्सिडी उसमें नहीं लगी है और उसके बिना ही कैलकुलेट करके आए हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के GR के हिसाब से 1 मार्च से सब्सिडी होल्ड होनी थी, मतलब 1 मार्च के बाद सब्सिडी नहीं लगेगी, ये पिछला एक GR आया था। लेकिन हाल फिलहाल में जो बिल आए इसके अंदर 3 मार्च की रीडिंग में ही पूरे महीने की जो है सब्सिडी काट दी गई और बिल जो है डबल से ज्यादा का आया है। हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह से जो बिल दिखाया जा रहा है, तो इस बिल में आप देख सकते हैं कि जनवरी की जो यूनिट है, जो कंजम्पशन है, वो तकरीबन 8,800 यूनिट कंजम हुआ है और उसके सामने जो बिल आया है, जो लास्ट पेड बिल है आप देखोगे तो वो 25,500 रुपया पेड किया गया है। और के बाद इमीडिएटली जब फरवरी की जो यूनिट कंजम हुआ है तो ये 7,288 यूनिट कंजम हुआ है। और इसका जो बिल है, मतलब पिछले महीने से कम यूनिट कंजम हुआ है, उसके बावजूद जो इसका बिल अगर आप देखोगे, करंट बिल जो आया है ये आया है 50,480। और आप अगर लास्ट रीडिंग डेट देखेंगे बिल की तो इसके ऊपर है 3 मार्च, मतलब एक मार्च को सब्सिडी होल्ड होना था और 3 मार्च को यहाँ पे रीडिंग ली गई है। तो महज 3 दिनों का बिल इतना ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल। और यह हो सकता है कि इन्होंने सब्सिडी फरवरी के महीने से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दियोगे, ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकती है। तो इसके ऊपर दोष किसको दे। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जब ये GR आया था तब बहुत सारे लूम ओनरों ने ये डिसाइड किया था कि हमारे कारखाने बंद कर, क्योंकि हम सब्सिडी के साथ में बिना सब्सिडी के लूम नहीं चला सकते, बिना सब्सिडी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते, वो कॉस्टिंग ही उतनी नहीं पड़ती, सब रोड पे आ जाएंगे और वातावरण बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आवाज़ साहब ने कहा बेफिक्र रहिए, हम
अजीत दादा पवार साहब से बात करते हैं और टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात करते हैं, क्या मामला है मामले को समझ के हम इसको निर्णय लेंगे। लेकिन भिवंडी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर फाइट करेंगे और सब्सिडी को बरकरार रखेंगे। उसके बावजूद जो है सब्सिडी होल्ड हो गई है और बिल जो है बढ़कर आए, जिसका भारी भुगतान अब लूम ओनरों को भरना पड़ेगा। ये एडिशनल जो चार्जेस आए ये उनको भरने पड़ेंगे और साथ ही इसके ऊपर बड़ा जो नुकसान होने वाला है कॉस्टिंग पे, जो कपड़े के ऊपर जो कॉस्टिंग के ऊपर जो नुकसान आएगा ये भी उन्हें बेयर करना है। अब यहाँ पे हम दोष किसको दे, टोरेंट पावर को दे, MSDCL को दे, क्योंकि टोरेंट पावर का कहना है कि हमें ऐसा कोई GR आया नहीं है कि आप सब्सिडी को कैरी ऑन करो, इसलिए हम उसको होल्ड करके रहे। या महाराष्ट्र सरकार को हम इसका ब्लेम करें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बार ऐलान तो कर दिया लेकिन वही सिर्फ वादे रह गए और अब तक अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है कि आखिर कब तक जो है एक आम आदमी या एक व्यापारी तबका जो है इन नेताओं के आश्वासन में आता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो वादे किए गए उसको सरकार अपनी तरफ से पूरा करे और जो लूम ओनर को, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो तकलीफें आ रही है उस तकलीफों का समाधान करे। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज से, थैंक यू।